अस्सलाम दोस्तों, यार बैक विद अनदर व्लॉग। यार बहुत टाइम बाद दोबारा से मैंने अपना मोबाइल उठा लिया है, कैमरा के सामने खड़ा हो गया है, सही है ना? तो नज़र भी नहीं लाई जानी, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। खैर तो अभी आपने इंट्रो देखा, इंट्रो में मैंने थोड़ा सा अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाया, ऑलमोस्ट वही मॉर्निंग रूटीन होता है मेरा। मॉर्निंग रूटीन नहीं, खैर जो सुबह सुबह उठ के काम करता हूँ, पौधों को पानी डालता हूँ। पौधों को खैर मैं इतना ख्याल रखता नहीं हूँ, लेकिन एक दो हफ्ते से ज़रा मैं अपना पौधों पे भी ध्यान दे रहा हूँ। उसकी वजह मैं आपको इस इंट्रो के बाद बताऊँगा, बाहर जाके सही है ना, पौधे दिखाऊँगा फिर बताऊँगा वजह क्या है मैं पौधों पे इतना ध्यान दे क्यों रहा हूँ। खैर आ रहे थे अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है जानवर के ऊपर, जो कि हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है बकरा ईद का। तो जो अपनी वीडियो की मैंने सीरीज़ है वो भी पिछली वाली बकरा ईद पे एंड करी थी, जो कम बैक है मैंने सोचा था वो भी मैं बकरा ईद के ऊपर करूँगा, क्योंकि बीच में जो सारे यूनिवर्सिटी के इम्तहान वगैरह आ गए, तो यूनिवर्सिटी खुद आ गई थी बीच में, तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो से ज़्यादा ध्यान हटा देता हूँ। लेकिन अब खैर यूनिवर्सिटी का समर ब्रेक आ गया है, तो मैंने सोचा कि दोबारा से अपना ये शौक है थोड़ा बचा कुचा उसको कंटिन्यू करते हैं और अपने फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि जानवर के ऊपर। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लेने जाने वाले हैं अपना बकरा ईद की कुर्बानी के लिए जानवर। अब जानवर जो है वो बेसिकली आपको पता है कि मंडी जो है इस बार उस खराब रोड पर तो लगी नहीं है, नॉर्दर्न बाईपास पे लगी है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। सेकेंडली सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना, अबू नहीं आएंगे मेरे वहाँ पे। तो हमने फैसला ये किया है कि हम आसपास से छोटी छोटी मंडियाँ या फार्म लगे हुए हैं या अबू के कोई जानने वाले जो हैं, जैसे पिछले साल भी देखा था पसंद नहीं आए थे लेकिन गए थे उस तरफ, तो वैसे ही इस साल भी कहीं सर्च करेंगे इधर उधर मंडी नहीं आएंगे। हाँ तो एक गाय बकरी की तलाश में अब्बा जो है वो अपने दोस्त के किसी सेटअप पे गए थे, औरंगी टाउन उनका सेटअप लगता है, वहाँ से उन्होंने एक आध बछिया पसंद करी है, ये ऐसी कोई ब्राउन बछिया, वो तस्वीर खींच के लाए, तो वो कह रहे थे कि अभी तुम दो तीन दिन में चले आना, देख लेना कैसी है, पसंद आ रही है तो मुझे बता देना, फिर हम उसका सौरा डन कर देंगे। तो यार अभी आप देख सकते हैं हमारी छोटी सी क्यारी है, दो गज़ की कबर के साइज़ की। खैर इसमें हमने ये पपीते का पौधा लगाया था, ये पपीते का पौधा, ठीक है ना। तो इस पपीते के पौधे पर अगर आप देखें तो पपीता आ चुका है, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ ये देखें। तो खैर यार ये जो पपीता है ये हमारे घर की पहली जो है समझ लें प्रोडक्शन है, तो इसलिए जो है मेरा इसके ऊपर ज़रा दिल आया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि कोई तोड़ के ना ले जाए, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ और अक्सर कभी खुदाई कर देता हूँ कभी पानी डाल देता हूँ। तो कुल मिला के यही वजह अपना जो मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था कि मैं पौधों को भी पानी डाल रहा हूँ। तो खैर अब चलते हैं अपने जो मेन मकसद है वीडियो का, गाय पसंद करने। ठीक है हाँ, तो दोस्तों ये थी वो बछड़ी जो मेरे अब्बू को पसंद आई थी, जो मेरे अब्बू ने चूज़ करी थी। तो अभी खैर मुझे पसंद आई या नहीं आई वो जो है मैं आपको घर जाके बताऊंगा, अभी आप बस चेक करें इसे। हाँ भाई, तो यार इस वक्त का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग घर वापस आ गए थे, और बछिया के बारे में मैं आपको बताऊँ तो बछिया जो है हमने लेने का प्लान कैंसिल कर दिया, वो वाली बछिया। उसकी दो वजूहत हैं, पहली तो ये कि बहुत ज़्यादा मांग रहा है उसके, तकरीबन वो फाइनल 130 समथिंग कर रहा है, ठीक है ना, 1,30,000 के आसपास के प्राइस मांग रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि बछिया जो है वो थोड़ी सी पतली है, तो खैर अब इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं मलीर मंडी, इंशाल्लाह वहीं सौदा कर लेंगे। पूरी कोशिश करूँगा जितनी वहाँ से क्लिप्स बना सकता हूँ बना के लाऊँ, और बाकी घर आके तो पूरी तफसील आपको बताऊँगा क्या चीज़ है। तो बस फिर चलते हैं मलीर मंडी। हाँ तो यार वीडियो को तो अभी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने पूरा पपीते का आपको दिखाया था, अब मुझे पपीता तोड़ना पड़ रहा है। मम्मी की अम्मी कह रही है कि उन्हें पपीता किसी खाने में इस्तेमाल करना है, तो इसलिए तोड़ के ले आओ इससे पहले कोई और तोड़ के ले जाए। तो चलें पपीते को तोड़ के लाते हैं। अरे दो पपीते आ गए। हाँ तो यार ये दो पपीते हमने तोड़ लिए, अब चलें वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो यार पूरा प्लान चेंज हो चुका है, अब हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नॉर्दर्न बाईपास मंडी में, सही है ना। हम जा रहे थे मलीर मंडी, लेकिन वहाँ पे जो है मशवरा हुआ कि आप सीधा आप नॉर्दर्न बाईपास मंडी चले जाएँ, जैसे हर साल हमें जानवर जो है ना ये बड़ी वाली मंडी से मिलता है। तो यार चलते हैं, सीधा जानवर पर रोकेंगे, सही है ना। अभी हम लोग KPK ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं रिक्शा बैठ। KPK ब्लॉक में हम आगे रिक्शे के जरिए मेन गेट से, अब रेट सी रेट्स आएंगे और अगर जानवर पसंद आ गया तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो दिखा देते हैं। 2.40 3.5 बोल रहे हैं इसके, 4 दाल रिकवर्ड है, 2.5 लाख बोल रहे हैं इसके, 1.60। तो भाई इसके 2 लाख अभी मांग रहे हो। यार इसके 2 लाख बोल रहे हैं, अभी हमने लगाए तो हैं लेकिन उसको समझ नहीं आ रेट, इसके 1.60 बोल रहा है बछड़े के। यार इसके 1.90 बोल रहे हैं बछड़ी के, 2 दाद है।
इसका हाइट का अंदाजा कर लें आप लोग। ये इसके 1.65 बोल रहे हैं, हमने 75 लगाए इसके। दोंदा है ये, 75 बोले हमने इसके, 1.65 बोल रहा था। अब ये वाला बछड़ा पसंद आया है, 1.70 मांगे इसके। तो भाई हूँ इसके 125 मांग रहे हैं अभी वो, और हमारी बात चल रही है कि हमारी रेंज में कुछ दे दे अगर तो उठा लेंगे इसको हम। देखते हैं आगे क्या मामला बनते हैं। माशाल्लाह से खूबसूरत बछड़ा है भाई, उसका भी 2.10 बोल रहा है वो। अब देखें हमारा कितने में डन होता है अगर हुआ अल्लाह ने चाहा तो। बछड़ा माशाल्लाह खूबसूरत में, यार 7 बज गए अभी इस वक्त मंडी में और सौदा नहीं बन पा रहा है। सही है ना, महंगी बहुत है 2.5-2। जैसे अगर 1.80 मांग रहे हैं तो उसके 150 ऊपर देने की बात कर रहे हैं। सही है ना, इतनी रेंज है हमारी। ढूंढते हैं अभी कितनी मिल जाती है। खैर कंटिन्यू कर यार, इसके 2.20 मांग रहे थे, अभी फाइनल 170 पे आए हैं। ठीक है ना, बहुत पसंद आया हमको ये बछड़ा, गुलाबी नाक में शरीफ है। इसकी बात चलिए, मेरे अब्बू के दिल पर लग गया यार, वो 1.70 से नीचे आ ही नहीं रहा है। हमने बहुत लगा दिया अभी रेंज से ऊपर, लेकिन वो 1.70 से नीचे नहीं आ रहा। बस सिर्फ 5,000 रुपए सौदा रुका हुआ है, 5,000 रुपए। ठीक है ना, तकरीबन ये हो जाएगा 3.5। यार फाइनली इसका सौदा हो गया है, बस दिल का सौदा, दिल की चीज़ है, दिल का सौदा हुआ है ये समझ लें आप। दिल पे चीज़ लग गई, इसको छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा। ऊपर से यहाँ पे ना चारों तरफ से ख़रीदार आ गए इसके, हमने इसको छोड़ा नहीं। छोड़ो याद है फ़ौरन बिक जाता है।